आज हम जानेंगे कि कुरान मजीद में वो कौन सी सूरत है जिसे सूरतुल इस्तजाबा कहते हैं। सबसे पहले इस्तजाब का मतलब क्या है? इस्तजाब का मतलब है किसी बात का मुस्बत जवाब देना या किसी तलब करने वाले को उसकी तलब पर मुस्बत रिस्पांस देना, सही रिस्पांस देना। यहाँ जो कुरान मजीद में इसका मतलब है दुआ कबूल करना। जिस सूरत को सूरतुल इस्तजाबा कहते हैं, इस सूरत में कुछ मकामात ऐसे हैं जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूलियत दुआ का जिक्र फरमाया है। सबसे पहले मैं इन मकामात की तिलावत की सआदत हासिल करना चाहूँगा। पहला मकाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ। और नूह को हमने हिकमत और इल्म अता किया। वो वक्त याद करो जब उस वाक़े से पहले उन्होंने हमें पुकारा तो हमने उनकी दुआ कबूल की और उनको और उनके साथियों को बड़ी भारी मुसीबत से बचा लिया। दूसरे मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र फरमा रहे हैं, فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا फिर हमने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें जो तकलीफ लाहक थी उसे दूर कर दिया और उनको उनके घर वाले भी दिए और उनके साथ उतने ही लोग और भी, ताकि हमारी तरफ से रहमत का मुजाहरा हो और इबादत करने वालों को एक यादगार सबक मिले। तीसरे मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमा रहे हैं कि उनकी दुआ की कबूलियत का जिक्र फरमा रहे हैं, फ़स्तजबना लहु वनज्जैनाहु मिनल ग़म وكذلك ننجي المؤمنين। इस पर हमने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें घुटन से निजात अता की और इस तरह हम ईमान रखने वालों को निजात देते हैं। चौथे मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ की कबूलियत का जिक्र फरमा रहे हैं, فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ। चुनाचे हमने उनकी दुआ कबूल की और उनको यहया जैसा बेटा अता किया और उनकी खातिर उनकी बीवी को अच्छा कर दिया। यकीनन यह लोग भलाई के कामों में तेज़ी दिखाते थे और हमें शौक और रोब के आलम में पुकारा करते थे और इनके दिल हमारे आगे झुके हुए थे। ये चार मकामात सूरतुल अंबिया में पारा नंबर 17 में मौजूद हैं।
इस सूरत को सूरतुल इस्तजाबा कहने की वजह यही है कि इस सूरत में चार मकामात ऐसे हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूलियत दुआ का जिक्र फरमाया है। पहला मकाम सूरतुल अंबिया में आयत नंबर 76 है, दूसरा मकाम आयत नंबर 84, तीसरा मकाम आयत नंबर 88 और चौथा मकाम आयत नंबर 90 है।